आपने कभी आलू और धनिया की सब्जी खाई है? बहुत ही टेस्टी और क्विकली बनने वाली रेसिपी है ये। तो चलिए, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल माहिज डायरी में। आज मैं बनाऊंगी आलू और धनिया की सब्जी, जिसे कि आप रोटी, चावल या पूड़ी किसी के साथ भी खा सकते हैं। पर मैंने इसे एंजॉय किया पुदीने की चटनी, अचार और गर्मा गर्म पूड़ी के साथ। ऐसी फूली फूली पूड़ी कैसे बनानी है, मैं जल्दी आपसे इसके ट्रिक्स भी शेयर करूंगी। और पुदीने की चटनी की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप चेक कर सकते हैं। इस सब्जी के साथ पूड़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो चलिए, सब्जी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं आधा किलो आलू, जिसे मैंने अपने हिसाब से छोटे डाइसेस में काट लिया। और मैंने पूरा एक बंच धनिया का लिया है, जिसमें से सिर्फ मैं ये मोटी मोटी डंडियाँ निकाल लूँगी और बाकी सभी डंडियाँ ऐसे ही रहने दूँगी और चॉप कर लूँगी। और मैंने लिए है 3 बड़ी हरी मिर्च, 3 बड़े प्याज लिए हैं, जिसे मैं अच्छे से चॉपर में चॉप कर रही हूँ। आप चाहो तो काट भी सकते हो। चलिए, सब्जी बनाने के लिए मैंने कुकर में सबसे पहले 2 टेबलस्पून तेल लिया, फिर तेज़पत्ता और दालचीनी की स्टिक्स डाली, और फिर 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। और इसे डालते ही गैस को कर दो लो, क्योंकि बहुत छींटे उठती हैं। और जैसे ये जिंजर गार्लिक पेस्ट ब्राउन हो जाता है, तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी वो अच्छे से चॉप किया हुआ प्याज। प्याज थोड़ा सा गोल्डन हो जाए तो फिर मैं ऐड कर दूंगी टमाटर, जो कि अच्छे से चॉप करा हुआ है। और मसाला अच्छे से भून जाए, इसके लिए मैंने ऐड करा 2 टीस्पून नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक एडजस्ट कर सकते हैं। 2 मिनट इसे भूनने के बाद अब बारी बाकी मसालों की। मैंने सबसे पहले डाली 2 छोटे चम्मच हल्दी, और फिर थोड़ी सी अजवाइन, जो कि मैं हर सब्जी में मोस्टली ऐड करती हूँ। फिर 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच जीरा, और थोड़ी सी तीखी मिर्च कलर के लिए। बस इन सबको अच्छे से मिला के मैंने इसमें आधी कटोरी पानी ऐड किया, ताकि मसाला जले नहीं और अच्छे से पक जाए। चलिए, मसाला रेडी हो गया। अब मैं इसमें धनिया ऐड कर रही हूँ, जो सारा बंच मैंने काटा था। इसको थोड़ा सा मोटा भी काट सकते हैं, इस सब्जी में मोटा कटा हुआ धनिया भी अच्छा लगता है। सारा धनिया मैं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हमारी सब्जी का हीरो सिर्फ आलू नहीं धनिया भी है, तो बहुत सारा धनिया डालना है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इवनली सब्जी पक जाएगी तो भी मैं इसमें धनिया ऐड करूँगी। अब मैंने सारे ऐड कर दिए आलू जो काट रखे थे। बार अच्छे से स्टर कर लो और 1 मिनट ऐसे ही पकाओ, इससे सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 1 मिनट पकाने के बाद मैं इसमें पानी ऐड करूंगी। मैंने सिर्फ इतना पानी ऐड किया कि जो आलू हैं वो अच्छे से डूब जाएं, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी ऐड किया बस। मुझे बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं बनानी, क्योंकि मैं पूड़ी के साथ यूज़ करने वाली हूँ इसे। आपको चावल के साथ खानी है तो आप ज़्यादा पानी भी डाल सकते हो, बस इतना पानी इनफ है थिक ग्रेवी के लिए। अब मैं इसे बंद करके फुल फ्लेम पे ही इसे 3 से 4 सीटी आने तक पकाऊंगी, और बस फिर उसके बाद लो गैस पे 5 मिनट के लिए रखूंगी और फिर गैस बंद कर दूंगी। गैस बंद करने के बाद जब स्टीम अच्छे से निकल जाए तो हम चेक कर लेंगे सब्जी को। ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट ग्रेवी बनी है, ऐसी ही चाहिए थी मुझे। आप पानी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं सब्जी में। टेस्टिंग टाइम, टेस्ट परफेक्ट था। मुझे कुछ ऐड नहीं करना सिवाय धनिया के। धनिया ऐड करिए और इस सब्जी को एंजॉय करिए। देखा, घर पर पड़ी इन दोनों बेसिक चीज़ों के साथ कितनी टेस्टी सब्जी बन जाती है, और पूड़ी के साथ तो इसका टेस्ट पूछो ही मत, कितना लाजवाब आता है। देख के मुँह में पानी आ रहा है ना, तो चलो आप भी ट्राई करो ये सब्जी। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लो। Thank you so much for watching till the end. Bye bye.